Hello student, welcome back to my channel. In this video, I'm going to explain the text explanation of the chapter Pinocchio of grade 4 NCERT Marigold English. आज हम क्लास 4 मीन्स कक्षा 4 का जो चैप्टर है आपका पिनोकियो उसका टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे. तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं. Once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. एक समय की बात है जो एक पुराना कारपेंटर था. कारपेंटर क्या होता है? A person whose job is to make things from wood. वो इंसान जिसका काम है लकड़ियों से कुछ बनाना, जैसे अलमीरा, टेबल, चेयर, एनीथिंग इट कैन बी. हिंदी में हम अगर उसे प्रॉपर बोले तो बड़े. Bought a very queer piece of wood. उन्होंने क्या खरीदा? Bought is a second form of buy. उन्होंने क्या खरीदा? एक बहुत ही queer means होता है students, strange और unusual, मतलब बहुत ही विचित्र या असामान्य या कोई अजीब सी एक पीस खरीदा एक लकड़ी का. As he used to plane on it, जैसे ही वो उसे प्लेन करने वाला था अपने टूल से, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कारपेंटर की शॉप पे, वो वुड वाला पोर्शन जो उनका कोई भी वो यूज करते हैं, वो कुछ टूल यूज करते हैं टू मेक द सर्फेस प्लेन. He heard a very little laughing voice say. उसने heard means सुनना, hear का second form. उसने सुना कुछ आवाजें उसको आ रही हंसते हुए. Stop, you are tickling me. रुक जाओ, तुम मुझे tickle कर रहे हो. Tickle means किसी को गुदगुदाना, और we can say that to touch somebody lightly with fingers or with something soft that he or she laugh. किसी को गुदगुदाना means एक बहुत पुराने समय की बात है कि एक जो कारपेंटर था वो एक बहुत विचित्र सा, एक असामान्य सा एक पीस लाया एक लकड़ी का. एंड जैसे ही वो उसे प्लेन करने वाला था, यानी अबाउट टू प्लेन इट, उसने क्या सुना? एक आवाज उसके पास आई और उसने क्या बोला? स्टॉप, रुक जाओ, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो. द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस. Puzzled means not able to understand or explain something. Means किसी को समझने में और समझाने में असमर्थ होना, रुक जाना. वो old man बहुत confused हो गया, shocked हो गया कि ये आवाज कहाँ से आई. He said, this is a strange piece of wood. उसने क्या कहा? उसका dialogue क्या आया? This is a strange. Strange means वही unusual. Student, आपका strange और जो आपका second word था cure, वो एक दूसरे के synonym भी आप use कर सकते हो. उसने क्या कहा? This is a strange piece of wood. ये तो बहुत एक विचित्र पीस है एक लकड़ी का. What shall I do with it? मैं इसका क्या करूं? I think I will make it into a puppet. मुझे लगता है कि मैं शायद इसको अब एक पपेट में कन्वर्ट करता हूँ. पपेट मीन्स अ मॉडल और ऑफ अ पर्सन ऑफ एन एनिमल दैट यू कैन मूव बाय पुलिंग द स्ट्रिंग्स विच आर टाइड इन टू इट. आपने देखा होगा कठपुतली, स्पेशली जो शोज वगैरह में भी यूज होते हैं, अलग अलग बहुत सारे, स्पेशली राजस्थान में काफी ज्यादा यूज होते हैं. पपेट मीन्स कठपुतली. ही सेट एंड टू वर्क. वो बैठा, उसने सोचा इसको पूरा कंप्लीट करना है. एज द पपेट बॉय टुक शेप, जैसे जैसे उसको शेप लेते जा रहा था पपेट की, वो बॉय शेप में, द ओल्ड मैन सेड, ही मस्ट हैव अ नेम. इसका कोई नाम भी होना चाहिए. आई विल कॉल हिम पिनोकियो. मैं इसका क्या नाम रखता हूँ? मैं इसे बुलाऊंगा पिनोकियो से. As soon as he finished making the eyes, जैसे जैसे उसका काम खत्म हो रहा था, उन्होंने आइस की जो फिनिशिंग करी, the carpenter was amazed to see them move. कारपेंटर बहुत ज्यादा surprised हो गया. Amazed means surprised हो गया, shocked हो गया, क्योंकि जो उसने आइस बनाई थी वो मूव कर रही थी. Before the mouth was made, it began to laugh. और जैसे ही मुंह बना वो हंसना शुरू हो गया. Stop laughing, the old man said. उस बूढ़े इंसान ने कहा कि हंसना बंद करो. It did stop, but as soon as his back was turned, it put out his tongue. जैसे ही वो मुड़ा, उसने अपनी जीभ बाहर निकाल दी, अपनी टंग बाहर निकाल दी. किसने? उस पपेट ने. And its nose grew long. और जो उसकी नोज है वो लंबी होना शुरू हो गई. जैसे आप पिक्चर्स में भी देख रहे हो टंग निकालना और नोज बड़ी होना जब कारपेंटर टर्न आउट हो जाता है. No sooner were its hands ready than it snatched off the carpenter wig and put into his own head. And then Pinocchio nose grew longer. जैसे ही उसके हाथ बने उस पपेट के, स्नैच मतलब होता है टू टेक समथिंग विद अ क्विक रफ मूवमेंट, किसी से कुछ छीन लेना. जैसे ही उसके हाथ बने उसने क्या करा? सबसे पहले विग. विग मीन्स होता है स्टूडेंट्स अ कवरिंग मेड ऑफ, वी कैन से दैट रियल और फॉल्स हेयर दैट यू वेयर ऑन टॉप. नकली बाल जो होता है विग होती है. जैसे ही पपेट के हाथ बने, उस पिनोकियो के हाथ बने, उसने उस कारपेंटर की विग खींच ली और अपने सर पे रख दी. एंड देन द पिनोकियोस नोज grew longer. और उसकी जो नोज थी वो और लंबी हो गई पहले के कंपेयर में. When its legs and feet were made, जैसे उसके पैर बने, they were too stiff to use. So the carpenter showed Pinocchio how to use them. Stiff मतलब होता है बहुत ज्यादा firm हो जाना और difficult हो जाना, bend होना, move करना.
टू यूज, जब जैसे ही उसके पैर और फीट बने तो उसको मूव करने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, डिफिकल्टी हुई. सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज देम. तो कारपेंटर ने उसे बताया कि इनको कैसे यूज करते हैं. नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल. अब कारपेंटर ने सोच लिया कि अब पिनोकियो को स्कूल भेजना चाहिए. बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन. लेकिन वहां उसने कुछ भी नहीं करा, फन की तरह मस्ती की तरह लगा. ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम द स्कूल. Often mean many times. कई बार तो वो स्कूल से भाग के भी आ जाता था. Why don't you go to the school? उसने बोला तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते, कारपेंटर ने पूछा. See the picture is also there, wig निकालने वाली. Pinocchio told him a lie. Pinocchio ने उसे झूठ बोला. And his nose started growing longer and longer. जैसे ही वो झूठ बोलता उसकी जो नोज थी वो और लंबी होती जाती, लंबी होती जाती. Each time he was rude to someone or told a lie. Told is a second form of tell. जितनी बार पिनोकियो वो पपेट किसी के साथ रूड होता, बहुत गुस्से में बात करता या बहुत गंदे तरीके से बात करता और झूठ बोलता, इज नोज ग्रू लॉन्गर, उसकी जो नोज थी वो लंबी होती जाती. फाइनली पिनोकियो से लास्ट में उसने क्या बोला, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय. मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. ग्लैड मीन्स हैप्पी. एंड आई एम इज अ शॉर्ट फॉर्म और वी कैन से द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ आई एंड ए एम एम. आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय. मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एक असली बॉय के उसमें, रियल बॉय के उसमें. आई विल नेवर लाई अगेन. और मैं कभी भी आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा. सो दिस इज द टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दियर चैप्टर, दैट इज द पिनोकियो एंड इट इज